कंगना मैम सर थोड़ा थोड़ा अरे मैडम जी रुकिए आप क्यों नहीं रुकिए हम लोग खास सर जी थोड़ा आगे आ जाओ सर जी वही पे अरे मैडम जी रुकिए 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 मैडम जी आपके खास रुकिए हम लोग मैम कौन सा मूवी देखा आपने एक मिनट रुकिए रुकिए अरे एक मिनट होल्ड एक मिनट मैम मैडम रुको जी मैम कैसी लगी मूवी बहुत अच्छी लगी मुझे लगता है हर भारतीय को देखनी चाहिए और हमारी जो इतिहास है जिसका सबसे काला सच जो है और जो हमसे छुपा के रखा हुआ है वेल मैं तो हमेशा बोलती रहती हूँ इसके बारे में लेकिन आई थिंक हर एक युवा को देखनी चाहिए कैसी हमारी जो हमारी हमारे देश की जो कैंसर है टुकड़े गैंग सबको एक्सपोज करती हुई ये जो फिल्म है हर भारतीय को देखनी चाहिए और इसको टेक्स्ट भी हर जगह करना चाहिए और विवेक जी को पल्लवी जी को अनुपम जी को बहुत बहुत बधाई उन्होंने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को जितने भी बॉलीवुड के किए हुए पाप हैं आज इन्होंने धो दिए सबने मिल के बॉलीवुड के भी पाप धो दिए इन्होंने इतनी अच्छी फिल्म बनाई है और इनकी ये फिल्म इतनी काबिले तारीफ है कि सब इंडस्ट्री वालों को छुपे हुए हैं अभी अपने बिलों में चूहों की तरह निकल के आना चाहिए इसको प्रमोट करना चाहिए इतनी बकवास सड़ी हुई फिल्में प्रमोट करते हैं इतनी अच्छी फिल्मों को प्रमोट करने के लिए अभी क्या हुआ हुआ इनको मैम तो हाल ही में वही कपिल शर्मा ने ऐसे कहा गया कि मना किया था ये मूवी को प्रमोट करने के लिए तो उनके बारे में क्या कहना ऐसे अफवाह आ रही थी कि इस मूवी को शो पे और कोई देखा आपने इनकी झूठी तारीफ इतनी गंदी गंदी मीडियोकर फिल्में बनाते हैं एक दूसरे की कैसी तारीफें करते हैं लेकिन इस फिल्म में उनके भी पाप धुल गए हैं जो ये गंदे काम करते हैं जिन्होंने बॉलीवुड को बोली दाऊद वुड बना के रखा और उनके भी पाप धुल गए हैं इससे हमारी फिल्म इंडस्ट्री को पूरे विश्व में इज्जत मिलेगी समझे आप ये इतनी अच्छी फिल्म है और ये ऑस्कर में जानी चाहिए जैसे जूस के की जो नरसंहार हुआ था होलोकास्ट हुआ था उस तरह से जो कश्मीरी पंडितों का मास मर्डर्स हुए हैं जिसकी कोई बात नहीं करता है उसको पूरा जब दुनिया देखेगी तो उनको पता चलेगा कि कैसे हिंदू वर्ल्ड में माइनॉरिटी है फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मूवी देख के लोग रो रहे हैं मतलब लिटरली ऐसा इमोशनल मेरे हाथ कांप रहे हैं अभी देख के तो उन्होंने हर इंसिडेंस इज डॉक्यूमेंटेड यस एक भी इंसिडेंस नहीं है जो फेक दिखाया हुआ है अब अगर कलाकार सच्चाई नहीं दिखाएंगे तो क्या करेंगे लेकिन ये जो बॉलीवुड है इसको आदत पड़ी हुई है माफिया की गुलामी करने की क्योंकि यहाँ पे तो सब माफिया राज था बट आई थिंक इनके भी सबके पाप धुल गए हैं इट्स सच अ गुड फिल्म एंड आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू गो एंड वॉच इट एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल गाइज प्रमोट इट एंड जो सच्चाई है वो बाहर आनी चाहिए और हमारी दुनिया हमारे देश में अभी भी जो चैलेंजेस हैं जैसे कि टुकड़े गैंग कैंसर है कैसे जी आपसी जो आसपास के देश हैं इनके साथ मिलकर भारत के टुकड़े करके हड़पने के चक्कर में है वो सब भी एक्सपोज करता है जाके देखिए तो मिलना चाहिए।